साथी मित्रों, 16 मई 2019 को आ रहा है गुरु प्रदोष। दोस्तों, सभी दोषों का नाश करता है ये, इसीलिए इसे प्रदोष का व्रत कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं और इसकी अमृत कला का पान कुबेर करते हैं और इस तिथि का विशेषण जय करा है। शास्त्रानुसार इस दिन समस्त दिव्यात्माएं अपने सूक्ष्म रूप में शिवलिंग में समा जाती हैं और इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग के दर्शन मात्र से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और विल्व पत्र चढ़ाकर दीपक जलाने से अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये जो प्रदोष 2 मई 2019 को पड़ रहा है, ये गुरुवार को पड़ रहा है, जिसके कारण से इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष के बारे में एक छंद है, वो छंद कुछ ऐसा है। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है ये अति श्रेष्ठ, वार मास तिथि सर्व से व्रत है ये अति ज्येष्ठ। यानी कि गुरु प्रदोष का व्रत करने से शत्रुओं का विनाश होता है, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है और इन कामों के लिए ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में हुए युद्ध में देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया। ये देख करके क्रोधित वृत्तासुर आसुरी माया से विकराल स्वरूप धारण करके स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। सभी भयभीत देवता बृहस्पति देव की शरण में गए। बृहस्पति ने वृत्तासुर का परिचय देते हुए वहाँ पर देवताओं से कहा कि तपस्वी वृत्तासुर ने गंधमार्दन पर्वत पर घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और पूर्व जन्म में भी वह शिव भक्त चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार जब वह कैलाश महादेव के दर्शन हेतु गया तो उसने महादेव के वाम अंग में बैठी हुई माँ पार्वती को देखा और उनका उपहास कर दिया, जिससे माँ पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने चित्ररथ को दैत्य स्वरूप धारण करने का श्राप दे डाला। श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा ऋषि के तप से उत्पन्न होकर के वृत्तासुर बना। अतः हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष का व्रत करके महादेव को प्रसन्न करो। इंद्र ने आज्ञा मान करके गुरु प्रदोष का पालन किया और वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की। गुरु प्रदोष के व्रत पूजन और उपाय से शत्रुओं का अंत होता है, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है और परिजनों के कष्टों का निवारण होता है। दोस्तों, इस दिन विशेषतः जो पूजन हमें भगवान शिव का करना चाहिए तो शिवलिंग का या शिवालय जाकर के, शिवलिंग का आप घर पर भी चाहे तो कर सकते हैं, शिवालय में जाकर के भी आप कर सकते हैं, पर शिवलिंग का आपको पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इसमें पीतल के दीपक में गौघृत का दीपक जरूर लगाना चाहिए, सुगंधित धूप करना चाहिए, विल्व पत्र तो चढ़ाने ही चढ़ाने चाहिए। और विल्व पत्र चढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है कि आप विल्व पत्र के एक ओर चंदन से टीका करिए और उन्हें भगवान शिव को ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित कीजिए, या फिर बिल्व पत्र के एक ओर चंदन से श्री राम 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 ऐसा लिखते जाइए, तीनों पत्रों पर लिखिए और भगवान शिव को ओम नमः शिवाय कहकर के चढ़ाइए। ऐसे बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं, जिनमें भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिखा होता है। तो बिल्व पत्र तीन पत्ती वाला जो होता है, तो तीनों पत्तियों में आप चंदन से राम 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 लिखिए और उसे भगवान शिव को अर्पित कीजिए, बहुत ही पुण्यदायी होता है ये। इसके अलावा पीपल का पत्ता चढ़ाइए, पीले चंदन से त्रिपुंड बनाइए, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, केले चढ़ाइए और रुद्राक्ष की माला से। हम आपको एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का आप एक माला कम से कम जरूर जाप कीजिए, बहुत ही पुण्यदायी होगा ये। मंत्र है व्रम वृत्ता व्रत कराय नमः शिवाय व्रम। मंत्र हम फिर से बता रहे हैं, व्रम वृत्ता व्रत कराय नमः शिवाय व्रम। इस मंत्र से आप भगवान शिव का एक माला जाप करें। दोस्तों, इस दिन हमें कुछ विशेष कार्य भी जरूर करने चाहिए, जैसे दुर्भाग्य से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आपका भाग्य आपका कहीं भी साथ नहीं देता, आप बहुत परेशान हैं, आपने बहुत सारे उपाय किए लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी परेशानियों का अंत कैसे होगा, तो इन दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए आपको गुरु प्रदोष के दिन शिवलिंग पर केसर मिले जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भाग्य फिर से चमक उठता है। इसके अलावा परिजनों के कष्टों के निवारण के लिए आपको इस दिन शिवलिंग पर एक नींबू चढ़ाना चाहिए और इस चढ़े हुए नींबू को आप वापस घर पर ला करके या शिवलिंग से उठा करके घर के मेन गेट पर आप बांध दीजिए। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख संपत्ति आती है और हर तरह के क्लेश दूर होते हैं।
इसके अलावा ये दिन, चूंकि गुरुवार का दिन बहुत खास होता है, गुरु प्रदोष का दिन बहुत खास होता है शत्रुओं से मुक्ति पाने का, शत्रुओं को पराजित करने का, तो इस दिन शत्रु दमन के लिए मतलब शत्रुओं को हराने के लिए अपने शत्रु का नाम लेते हुए शिवलिंग के सामने पीली सरसों कपूर से आप जला दीजिए। थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए और इसको कपूर से जला दीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी अपने शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।